अगे वधांगे भ्रष्टाचार के खिलाफ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अज एक वड्डा पंजाब सरकार का एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। 23 मार्च को शहीद भगत सिंह के शहीदी दिहाड़े मौके पंजाब सरकार वालों यह हेल्पलाइन नंबर जारी होगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत कर सकेंगे पंजाबी, जहाँ कोई भी पंजाब वासी एक वीडियो या फिर ऑडियो संदेश रिकॉर्ड करके पंजाब सरकार वालों जारी होने वाले ऐसे व्हाट्सएप नंबर के उपर भेज के अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकता है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज बकायदा तौर के उपर कहते विखाई दिते कि आज पंजाब के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। इस लैके उन्होंने कह के शहीद भगत सिंह के शहीदी दिहाड़े मौके यह व्हाट्सएप नंबर यह विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। जेकर कोई भी अधिकारी रिश्वत मंगता है, भ्रष्टाचार फैलाता है, तो उसकी शिकायत पंजाब सरकार को की जा सकती है। और इस दे नाल ही हवाला दिता गया कि दिल्ली के प्रयोग बड़ा सफल सिद्ध होया। दिल्ली के आम आदमी पार्टी वालों जदों का यह नंबर जारी किया गया तो दिल्ली भ्रष्टाचार मुक्त हो गई है। हुण पंजाब के लोगों के लिए एक वड्डा मौका लैके आई है। हालांकि किंतु परंतु हो रहे हैं कि कद तक यह जिहड़ी चीज़ है सही ढंग दे नाल लागू हो पाएगी, पर मुख्यमंत्री ने कह दिता कि सरकारी अफसरों लोक सेवक वजों फर्ज निभाने पैणगे। सहुं चुकन दे अगले दिन यानी कि 17 मार्च नूं सवेरे 11:41 ते पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान दे इक ट्वीट ने हलचल पैदा कर दित्ती सी। हर किसे नूं सोचण लई मजबूर कर दित्ता सी। ओह ट्वीट सी कि पंजाब दे हित च अज एक बहुत वड्डा फैसला लिया जाएगा। पंजाब दे इतिहास च अज तक किसे ने भी अजिहा फैसला नहीं लिया होवेगा। कुछ ही देर तक ऐलान करांगा। इस ट्वीट तो बाद क्या सराइयां दा दौर गर्म सी कि आखिर अजिहा केड़ा ऐलान पंजाब दे नवे मुख्यमंत्री कर सकते ने। इस सस्पेंस तो पर्दा उठिया दोपहर 3:44 ते अपने फैसले नूं इतिहासक दसदिया भगवंत मान ने पंजाब दे विच भ्रष्टाचार ते वड्डी सट मारन दा दावा कीता है। अज मैं पंजाब लई एक बहुत वड्डा ऐलान करन जा रहा हां। इस ऐलान तो बाद पंजाब दे लोकां नूं उन्हां दी रोज़ाना दी जिंदगी दे विच बहुत सहूलत मिलेगी। उन्हां दी जिंदगी जिहड़ी है वह सौखी हो जाऊगी, उन्हां नूं कोई परेशानी नहीं होनी। पंजाब दे विच जिथे भी मैं जांदा सी भ्रिष्टाचार की गल हुंदी सी। लोग कहिंदे सी कि जी आ सिस्टम नूं बदलो, बहुत असी दुखी हाँ, इस सिस्टम नूं सुधारन की लोड़ है। उन्हां दी जिंदगी नूं आसान बनाउणा यह मेरा फर्ज है। इसलिए अज मैं इस नाल जुड़िया एक बहुत वड्डा ऐलान करन जा रहा। शायद ये पंजाब दे इतिहास दे विच सब तो वड्डा ऐलान होवेगा। इहो जिहा ऐलान पंजाब दे विच पहलां कदे नहीं होया। पूरे पंजाब दे विच जेकर कोई थोड़े तो रिश्वत मंगता है तो इनकार ना करे, मना नहीं करना। इहदी वीडियो जां आडियो बना के रिकॉर्डिंग जिहड़ी है उस नंबर पर भेज दिओ। मैं तुहानूं गरंटी दिंदा कि मेरा दफ्तर जिहड़ा है वो इहदी पड़ताल करूगा ते दोषी पाए जाण ते कोई भी भ्रिष्टाचारी जिहड़ा है वो बख्शिया नहीं जाऊगा, सख्त कार्रवाई होगी। 23 मार्च को शहीद भगत सिंह राजगुरु देश शहीदी दिहाड़े से भगवंत मान वालों एक फोन नंबर जारी किया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि वह नंबर सीधा मुख्यमंत्री का होगा, जिससे लोग उन्होंने रिश्वतखोरी की शिकायत कर सकेंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार अजिहा प्रयोग दिल्ली दे विच भी कर चुकी है ते दिल्ली दे मुख्यमंत्री का कहना है कि इस प्रयोग ने दिल्ली नूं भ्रष्टाचार मुक्त बना दिता है। आज का ये ऐलान भगवंत मान जी का बहुत बड़ा ऐलान है। जैसे दिल्ली से भ्रष्टाचार खत्म हुआ, पंजाब से भी अब भ्रष्टाचार खत्म होगा। वैसे भी मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ऑफिसर्स ईमानदार होते हैं, कुछ चंद मछलियाँ हैं जो सारे तालाब को गंदा करती हैं। मैं सारे ऑफिसर्स से भी पंजाब सरकार के निवेदन करूँगा कि आप सब लोग ईमानदारी से काम करें। बहुत बड़ा इनकलाब लोग लेके आए हैं। विरोधियों ने भी एक पासे तो मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस फैसले की शलाघा की है, पर दूजे पासे कुछ शंके भी जाहर किए। शंके यह ने कि यह फैसला किन्ने समय तक लागू रहेगा, यह आने वाला वक्त ही दसेगा। भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करती है
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कंस्ट्रक्टिव और रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन पार्टी का रोल अदा करेगी। अगे भी कई सरकार आई हैं जिन्होंने हेल्पलाइन नंबर जारी किए, लेकिन प्रैक्टिकली जरा जब तक ये काम असी नकेल नहीं पाओगे करप्शन के उत्ते, आप दे लीडर्स जोड़े है वो अपने ते अंकुश नहीं लगाएंगे, इन्हें मंत्री अपने ते अंकुश नहीं लगाएंगे, तो फिर तद तक ये कामयाब नहीं हो सकता। ऐसे भी कोई दो राय नहीं कि जो बहुत सारे जो जितते हुए विधायक ने वो दूजिया पार्टी चो आए ने, पुराने सिस्टम चो आए ने। सो ये आने वाले समय यह गल साफ है कि सरकारी अदारियां च भ्रष्टाचार किसी कैंसर तो घट नहीं, जिस तो निजात दबाना सरकारां दा फर्ज है, ते जिस तरीके नाल भगवंत मान सरकार ने इस दे इलाज दा बीड़ा चुकिया है, जे वो सही ढंग दे नाल लागू हुंदे ने तां आम लोकां नूं वड्डी राहत भी मिलेगी ते सूबे दे विकास नूं रफ्तार भी मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, PTC न्यूज़।